वेल्डिंग टूल्स, वेल्डिंग उपकरण और औजार। वेल्डिंग करते समय कुछ खास उपकरण एवं औजारों की जरूरत हमें बार बार लगती है। इनकी मदद से वेल्डिंग करना आसान होता है और समय की भी बचत होती है। आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। औजार दो प्रकार के होते हैं। एक है पावर टूल्स, जो बिजली से चलते हैं। दूसरे हैं हैंड टूल्स, जो मानव खुद अपने हाथों से चलाता है। पावर टूल्स, आर्क वेल्डिंग मशीन। इस मशीन से वेल्डिंग के लिए करंट सप्लाई किया जाता है। इससे आवश्यकता अनुसार वोल्टेज और करंट को कम या ज्यादा किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट पर चलने वाली वेल्डिंग मशीन को डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन या डीसी वेल्डिंग मशीन कहते हैं और ऑल्टरनेट करंट पर चलने वाली वेल्डिंग मशीन को ऑल्टरनेट करंट वेल्डिंग मशीन या एसी वेल्डिंग मशीन कहते हैं। डीसी वेल्डिंग मशीन डायरेक्ट करंट जेनरेट यानी उत्पन्न करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया है, उस पर डीसी वेल्डिंग मशीन के प्रकार निश्चित होते हैं। पहला है डीसी मोटर जेनरेटर वेल्डिंग मशीन और दूसरा इन्वर्टर डीसी वेल्डिंग मशीन और तीसरा प्रकार है इंजन जेनरेटर वेल्डिंग मशीन। आजकल ज्यादातर इन्वर्टर डीसी वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली नहीं है, ऐसी जगहों पर भी इंजन जेनरेटर वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्टरनेट करंट वेल्डिंग मशीन यानी एसी ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीन, यह स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वेल्डिंग मशीन है। इसमें एयर कूल और ऑयल कूल ऐसे दो प्रकार होते हैं, लेकिन ज्यादातर एयर कूल ट्रांसफॉर्मर मशीन का ही उपयोग किया जाता है। पावर सॉ मशीन, धातु को काटने के लिए पावर सॉ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 14 इंच का कटिंग ब्लेड लगाना पड़ता है। ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन की मदद से धातु के ऊबड़ खाबड़ सतह को चिकना किया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन पर लगा ग्राइंडिंग व्हील यह काम करता है। ड्रिल मशीन, धातु में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड को पकड़कर वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग केबल, वेल्डिंग मशीन से इलेक्ट्रोड होल्डर और कार्यखंड यानी जिस धातु को हमें वेल्ड करना है उसे विद्युत धारा प्रदान करने के लिए वेल्डिंग केबल का इस्तेमाल करते हैं। यह बिजली की तार होती है। अर्थ क्लैंप, अर्थ क्लैंप का प्रयोग कार्यखंड या वेल्डिंग टेबल को अर्थ केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। चिपिंग हैमर, चिपिंग हैमर हल्का एवं नुकीला होता है। इसका प्रयोग स्लैग और स्पैटर को हटाने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग करते समय फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डिंग हो जाने पर इसकी परत वेल्ड पर रहती है और उसे स्लैग कहते हैं। वायर ब्रश, बीड के किनारे से स्लैग निकालने के लिए वायर ब्रश काम आता है। रेतिया, वेल्ड को घिसने और साफ करने के लिए रेतिया यानी फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। स्क्राइबर, स्क्राइबर एक पॉइंट टूल होता है जिसका प्रयोग जॉब पर मार्किंग के लिए किया जाता है। हथौड़ा, वेल्डिंग वर्कशॉप में जॉब को ठोकने पीटने की आवश्यकता होती है, इसलिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। चश्मा, चश्मे का प्रयोग आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है।
वेल्डिंग हेलमेट। आर्क वेल्डिंग में पराबैंगनी तथा इंफ्रारेड किरणें होती हैं, जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आंखों की सुरक्षा करने के लिए चेहरे पर वेल्डिंग हेलमेट पहना जाता है। टोंग्स। टोंग्स यानी सनासी नर्म लोहे की बनी होती है। इनका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने और उठाने के लिए किया जाता है। गुनिया। गुनिया एक मापन औजार है जिसका प्रयोग कार्यखंड पर मार्किंग एवं कार्यखंड के कोण को मापने में होता है। इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक धातु की तार होती है। वेल्डिंग के इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करने का और दो धातुओं के बीच जोड़ बनाने के लिए फिलर धातु भरने का काम इलेक्ट्रोड करता है। आपने वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और औजारों के बारे में आज जानकारी ली। अब आपके नजदीकी वेल्डर के पास जाकर इसमें से कौन कौन से उपकरण और औजार उसके पास हैं, आप ये देख सकते हैं।